टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, इसको क्या लिख सकेंगे आप? तो आपका इंट्यूशन हो रहे होंगे कि ऐसा लिख दें इसको, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर टुगेदर और एक्स अलग कर दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाएगा ये ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर विल बी वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लिख दिया। अब क्या करें? तो अब पहले दोनों इंटीग्रल सेपरेट कर देते हैं। तो e टू द पावर टेन इनवर्स x इंटू वन विल रिमेन e टू द पावर टेन इनवर्स x इंटू वन, मीन्स e टू द पावर टेन इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा x इंटू e टू द पावर टेन इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू वन लिख सकते हैं इसको। e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लें और इसको सेकेंड लें। यूजुअली तो आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल को लास्ट लेते हैं, पर स्पेसिफिक इंटीग्रल्स में आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, और वो कोई स्पेसिफिक वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आइलेट आइलेट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, तो ये आप हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो इसका वायलेशन भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका e टू द पावर टेन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर टेन इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ वन इंटू डी एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ वन इज एक्स, डिफरेंशियल ऑफ ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स यू नो ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रल है एक्स, तो ये अब इससे कैंसिल हो गया। और जैसे ये इंटीग्रल हो जाता है तो एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी आपको यूज करना है, तो फाइनली द इंटीग्रल इज x into e to the power tan inverse x plus c। तो उस लॉजिक उस अप्रोच का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली e to the power x into fx plus f dash x से कोरिलेट नहीं हो रहा है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है कि हर चीज उससे कोरिलेट हो, पर एक आइडिया अपने दिमाग में कि हाँ इस तरीके से दिस कैन बी डन, ऐसा कुछ किया जा सकता।